हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में। आज की वीडियो वट सावित्री व्रत 2020। भारतीय धर्म में वट सावित्री अमावस्था स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व होता है। वट सावित्री व्रत को करने का विधान ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तथा अमावस्था तक है। वट सावित्री सौभाग्य की कामना और संतान प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन वट बड़ बरगद का पूजन होता है। शाखों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है। इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2020 में वट सावित्री व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि और इसके महत्व के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है। वट सावित्री का व्रत सभी सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास व महत्वपूर्ण पर्व होता है। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत की कथा सुनने मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पतिव्रत से पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। वहीं दूसरी कथा के अनुसार मार्कण्डेय ऋषि को भगवान शिव जी के वरदान से वट वृक्ष के पत्ते में पैर का अंगूठा चूसते हुए बालमुकुंद के दर्शन हुए थे, तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख शांति धन लक्ष्मी का वास होता है। वट वृक्ष में कई रोगों को नाश करने की क्षमता होती है। साथ ही इस व्रत के शुभ प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। अब जानते हैं साल 2020 में वट सावित्री व्रत तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2020 में वट सावित्री का व्रत 22 मई शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 21 मई गुरुवार शाम 9:35 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 22 मई शुक्रवार शाम 11:08 पर। अब जानते हैं पूजन के लिए आवश्यक सामग्री क्या है। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत में पूजन सामग्री का खास महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि सही पूजन सामग्री के बिना की गई पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। पूजन सामग्री में बांस का पंखा, चना, लाल या पीला धागा, फूल, धूप पत्ती, कोई भी 5 फल, सिंदूर, लाल कपड़ा, जल से भरा पात्र आदि का होना अनिवार्य है। अब जानते हैं वट सावित्री पूजा विधि के बारे में। बता दें कि वट सावित्री व्रत की पूजा विशेषकर वट वृक्ष के नीचे की जाती है। वट सावित्री व्रत के लिए प्रातः काल घर की सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें, फिर नए वस्त्र पहनें और 16 श्रृंगार करें। व्रत का संकल्प लेकर एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज भरकर ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना करें। अब एक दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखें। इसके बाद पवित्र जल का पूरे घर में छिड़काव करें। अब इन टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखें। वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत चढ़ाएं और सूत के धागे को वट वृक्ष के 5, 7 या 12 चक्कर लगाते हुए लपेट कर बांध लें। इसके बाद घर आकर शाम के समय व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुने। कथा सुनने के बाद चने व गुड़ का प्रसाद बांट लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने विचार हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे की ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए आज ही एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।